वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। सो इस वीडियो में हम रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे कि इससे क्या क्या चेंजेस हुए इंडियंस में, इससे इंडियंस लोग और ज़्यादा स्ट्रगल क्यों चालू करती है, ठीक है, तो देखेंगे। और क्या होता है, कब चालू हुआ, उसका रिजल्ट क्या क्या हुआ, और वाई इंडियंस वर आउटरेज्ड बाय द रॉलेट एक्ट, यानी कि आउटरेज्ड यानी कि और ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो गए रॉलेट एक्ट के बाद, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉलेट एक्ट था क्या, ठीक है, व्हाट वाज रॉलेट एक्ट। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। मतलब कि ये एक्ट जो था कौन पास किया था, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, ये जो अभी पार्लियामेंट है उसको ब्रिटिशर्स के टाइम में ये कहा जाता था, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बाद में सक्सीड होके क्या बना, पार्लियामेंट बना और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इंडिया का वो बना, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जब थे वो लोग क्या बुलाते थे, वो लोग ये बोलते थे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये एक्ट यहाँ पास किया गया था हरीडली, यानी कि जल्दी जल्दी में पास किया गया था, और किसके बावजूद, इंडियन मेंबर्स जो थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो इंडियन मेंबर्स थे वो लोग क्या कर रहे थे, यूनाइट होकर अपोज कर रहे थे उस एक्ट का। फिर भी अपोज करने के बाद भी ये एक्ट लाया गया जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब इसमें होता क्या था वो देखते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ, द एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। तो इस एक्ट में क्या होता था, गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा इनॉर्मस पावर आ जाता था, बहुत ज़्यादा पावर आ जाता था। वो लोग क्या कर सकते थे, वो लोग रिप्रेस कर सकते थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, यानी कि अगर कोई ग्रुप बना रहा है, अगर कोई अगेंस्ट में, अगर कोई स्ट्रगल करने का, अगर कोई रिवॉल्यूशन करने का या कुछ भी चीज़ ऐसा जो उस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो, कुछ करने का प्लान बना रहा है पॉलिटिकली, तो उसको क्या करना था, उसको रिप्रेस करने का पावर था, यानी कि उसको हटा देना, उसको ख़त्म कर देना, ठीक है। एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और जो ये सब कर रहा है उसको क्या करना, उसको क्या करने का पावर था, डिटेंशन करने का, डिटेंशन यानी कि अरेस्ट करने का, अरेस्ट करने का पावर आ गया था इस एक्ट से गवर्नमेंट के पास। तो उसमें क्या होता था कि वो लोग ट्रायल नहीं करते थे, जैसे कोर्ट के पास जो पेश करना होता है एक बार अरेस्ट करने के बाद, तो वो नहीं करना था, ठीक है। वो क्या करते थे, सीधा अरेस्ट करते थे और 2 साल के लिए। तो ये एक्ट था उसमें, ठीक है। रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। वॉज अ लेजिस्लेटिव एक्ट, वो लेजिस्लेटिव एक्ट था क्योंकि वो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हुआ था इन दिल्ली, दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, 21st of March 1919, ठीक है, 1919। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द इन फेमस रॉलेट एक्ट विच गेव इनर्मस पावर टू द पुलिस। पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर हो जाता था, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पावर हो जाता था उससे, टू अरेस्ट एनी पर्सन, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं वो विदाउट एनी रीज़न, किसी रीज़न ना हो कोई रीज़न तो भी वो उनका जिसको मन करे वो उनको अरेस्ट करके क्या करेंगे, अरेस्ट एनी पर्सन। और द पर्पस टू ऑफ द एक्ट वॉज टू कर्ब द ग्रोइंग नेशनलिस्ट अपसर्ज इन द कंट्री। गांधी कॉल्ड अपॉन द पुलिस टू डू सत्याग्रह अगेंस्ट सच ऑपरेसिव एक्ट। तो क्या हुआ, कभी भी 2 साल के लिए अरेस्ट कर रहे हैं बिना कोई रीज़न अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या था इसका पर्पस, क्या था ये एक्ट का पर्पस, ये था कि नेशनलिस्ट का जो फीलिंग जो अपसर्ज हो रहा है, यानी कि जो बढ़ रहा है कंट्री इंडियंस में, उसको बंद करना, उसको कर्ब करना, यानी कि उसको कम करना, उसको हटाना, ठीक है। तो गांधी जी का जो था मेन रोल यहाँ से चालू हुआ, सत्याग्रह यहाँ से चालू हुआ, जो गांधी जी का आइडिया था, और ये जो एक्ट निकल रहा उसको हटाने के लिए, उसको ऑपरेसिव जो एक्ट था, ये जो ऑपरेसिव एक्ट था यानी कि जो ऑप्रेस करने वाला एक्ट था, उसको क्या करना था, उसको हटाने के लिए, उससे लड़ने के लिए गांधी जी जो थे वो सत्याग्रह स्टार्ट किए। गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट दिस लॉ विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। तो क्या हुआ था, 21 मार्च को स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल को हड़ताल किए गांधी जी लोग मिलकर, ठीक है। और वो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, यानी कि इसमें कोई वायलेंस नहीं था, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। और क्या कर रहे थे कि हम जो सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि जो लॉ आया उसको हम ओबे नहीं करेंगे, उसको हम डिसओबे करेंगे, इसलिए वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज़, रैलीज ऑर्गेनाइज किया, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, वर्कर्स जो थे पुलिस स्टेशन बैंक ये सब में वो लोग स्ट्राइक में चले गए, शॉप क्लोज हो गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या लगा कि अब ये लोग बहुत ज़्यादा इनके पास दिमाग आ गया है, इनके रिएक्ट करने लगे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अलार्म्ड हो गई, यानी कि चौकन्ना हो गई ये सब चीज़ों से। और वो लोग क्या सोचे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो डिसाइड की कि अब हम इसमें क्लैंप डाउन करेंगे, अब हम इसको कुछ भी करके बंद करेंगे, इसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लेंगे, ताकि क्या हो, नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चालू हुआ है वो ना हो और ये डर के रहे, इंडियंस जो है वो डर के रहे हमसे, ठीक है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो लीडर्स थे, लोकल लीडर्स थे अमृतसर में, उनको पकड़ लिया, उनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। महात्मा गांधी को बैड कर दिया, यानी कि बैन कर दिया दिल्ली में घुसने से, ये दोनों चीज़ किए। तो वो अमृतसर से उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को जो था वो अरेस्ट कर लिया विदाउट एनी रीज़न। तो इससे क्या हुआ, लोगों में एग्रेशन हुआ, ठीक है, इससे क्या हुआ, प्रोटेस्ट चालू हो गया। तो 10 अप्रैल को क्या हुआ, और फिर पुलिस जब अरेस्ट कर लिए लीडर्स को, अब क्या किए वो, पुलिस जो थी वो अमृतसर में जो पीसफुल प्रोटेक्शन हो रहा था वहाँ फायर चालू कर दिए, वो लोग फायरिंग चालू कर दिए। द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोटेक्शन कॉजिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स, इससे क्या हुआ, अटैक्स हो गए ज़्यादा रेंज में, ठीक है, बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन में, और मार्शल लॉ जो था वो इम्पोज हो गया, और जनरल डायर टुक कमांड, जनरल डायर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि अब मार्शल लॉ इम्पोज हो गया, और जो था जो जनरल डायर था उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि अब मैं इसको हैंडल करूँगा, ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल करूँगा। देखते हैं आगे क्या हुआ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू पुट मोस्ट ऑफ द पंजाब अंडर मार्शल लॉ, मार्शल लॉ एक्ट वहाँ चालू हो गया, मार्शल लॉ चालू कर दिया पंजाब में। तो इस लॉ में क्या होता था, द लेजिस्लेशन रिस्ट्रिक्टेड अ नंबर ऑफ सिविल लिबर्टीज, यानी कि लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आप फ्रीली घूम नहीं सकते, आप फ्रीली चार पांच लोगों से बात नहीं कर सकते, आप ग्रुप नहीं बना सकते, आप मीटिंग नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, ये हटा दिया, और क्या हटाया, फ्रीडम ऑफ असेंबली हटा दिया, गैदरिंग ऑफ मोर देन 4 पीपल वर बैंड। तो मार्शल लॉ में ये सब चीज़ हो गया कि आप मीटिंग नहीं कर सकते, ताकि और कोई इनके अगेंस्ट में और कोई एक्शन ना ले इंडियंस। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ये सब मार्शल लॉ और एक रॉलेट एक्ट, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें वो लोग लाए ताकि इंडियंस का जो जो अपसर्ज हो रहा है उनमें फीलिंग नेशनलिस्ट का वो ख़त्म हो जाए, वो डर के मारे ख़त्म हो जाए, वो डरने लगे ब्रिटिशर्स से। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। तो सबसे बड़ा जो सबसे ख़राब बोल सकते हैं रिज़ल्ट जो था मार्शल लॉ का, रॉलेट एक्ट का, वो ये था कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था, जो इसी वजह से ही हुआ था, उस दिन बैसाखी था, ऑन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन दैट डे। बहुत सारे लार्ज क्राउड जो थी वो गैदर हुई थी जलियांवाला बाग में, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग फेयर के लिए आए थे, बैसाखी का जो मेला होता है उसके लिए आए थे, बहुत सारे लोग बाहर से भी आए थे जिनको पता नहीं था कि पंजाब में मार्शल लॉ जो है वो लगा हुआ है। तो बहुत सारे लोग को तो पता भी नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है, मार्शल लॉ चल रहा है, रॉलेट एक्ट लगा है, कुछ नहीं पता था। उसके बावजूद वो क्या किए, जनरल डायर जब वो अपना कंट्रोल ले लिए इस चीज़ के ऊपर, तो वो क्या किए, पूरे फोर्स के साथ जलियांवाला बाग का डोर क्लोज करके जितने भी लोग थे अंदर उस वहाँ पर फायरिंग चालू कर दिए। डायर एंटर द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन क्राउड, किलिंग्स हंड्रेड्स। हिज ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ओ इन द माइंड ऑफ सत्याग्रही। ये इसीलिए किया उसने, उसका मोटिव बस ये था कि लोगों के जो सत्याग्रही है उनके माइंड में एक फियर जगे, एक फियर आए, एक भय हो ब्रिटिशर्स का कि वो लोग और ज़्यादा ऐसा प्रोटेस्ट ना करें। तो इसके लिए बस इसका मोटिव यही था, जनरल डायर जो था जिसने ये किया था उसका मोटिव बस यही था। तो ये था रॉलेट एक्ट, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसका फ़ोटोज़ मैं दिखा रही हूँ कुछ। ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट का फ़ोटो है, ये अभी का जलियांवाला बाग का फ़ोटो है रिसेंट, एंड ये जो है ये जनरल डायर है जिनके वजह से जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, 100 लोगों की का डेथ हुआ विदाउट एनी रीज़न, सिर्फ ब्रिटिशर्स को मतलब वो रूल कर सके अच्छे से, इसलिए तो इस वजह से उन्होंने इतने सारे लोगों की जान ली।
तो ये था पूरा रॉलेट एक्ट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाय तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।